हे गाइस व्हाट्स अप। क्या हो अगर आपको एक ऐसी सुपर पावर मिल जाए जिससे कि आप टाइम को फ्रीज कर सकते हो या स्टॉप कर सकते हो, और इस दौरान आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसी ही सुपर पावर हमारी भूमि में एक लड़के के पास होती है जो अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए टाइम को फ्रीज कर देता है और कुछ भी करता है। सो लेट्स बिगिन द मूवी कॉल्ड कैश बैक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लास्ट में लाइक भी कर देना। तो मूवी शुरू होती है और हम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर बैन को देख पाते हैं, जिसका उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड सोजी के साथ ब्रेकअप हो जाता है और यह इसे बहुत ही प्यार करता है क्योंकि यह इसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड होती है और इसके लिए यह बहुत ही पजेसिव होता है। यह विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता कि इसका ब्रेकअप हो गया है क्योंकि अभी तक यह दोनों साथ थे और एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे, और एक ही पल में यह सब कुछ बदल गया और सोजी किसी दूसरे की बाहों में है और उसे आई लव यू बोल रही है। बैन इस बात से काफी टूट गया होता है और इसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम है सियोन, जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे शायद कोई बेस्ट ऑप्शन मिल गया है, इस वजह से वह तुम्हें छोड़कर चली गई है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम भी किसी ब्यूटीफुल लड़की को डेट करो, देखना फिर सूजी तुमसे जलस होगी और तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। लड़कियों के साथ सियोन का एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था, हर लड़की उसे मारकर ही चली जाती थी, इसलिए बैन उसकी एडवाइस नहीं ले सकता था। हम देखते हैं कि बैन बहुत ही अच्छी स्केच बनाता है, एक्चुअली वह एक स्केच आर्टिस्ट बनना चाहता है लेकिन उसे सिर्फ लड़कियों का स्केच बनाना ही पसंद है। उसने स्केच क्लास भी ज्वाइन की होती है जहाँ उसके टीचर ने किसी बुड्ढे का स्केच बनाने के लिए कहा होता है, लेकिन उस बुड्ढे का स्केच बनाने के बजाय वह सामने बैठी लड़की का स्केच बना देता है। एक्चुअली ब्रेकअप के बाद वह काफ़ी खोया खोया रहता था और सूजी को हमेशा याद करता रहता था, और उसके आसपास क्या चल रहा है उसे कोई खबर ही नहीं होती थी। फिर एक दिन वह सूजी को फ़ोन करता है और उसे पूछता है कि क्या हम फिर से साथ में रह सकते हैं, लेकिन सूजी उसे मना कर देती है और इससे वह और भी टूट जाता है। अब वह पूरा दिन अपने बेड पर ही पड़ा रहता है, और सूजी के जाने के बाद तो जैसे उसका ऑक्सीजन ही चला गया था, और अब उसे नींद आना भी बंद हो जाता है। वह कई चीज़ें ट्राई करता है ताकि वह सो सके लेकिन फिर उसे नींद नहीं आती। अब उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है क्योंकि ना तो उसे दिन में नींद आती ना ही रात में, और वह अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है ताकि उसका टाइम पास हो जाए, लेकिन फिर भी उसका टाइम पास नहीं होता, वह बोर होने लगता है और वह चाहे कुछ भी करे सूजी की याद उसे हमेशा आती रहती थी। फिर हम देखते हैं कि एक रात वह ग्रोसरी लेने के लिए सुपरमार्केट में जाता है जहां वह एक नोटिस देखता है जहां उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत थी। बैन को नींद नहीं आती है और उसके पास एक्स्ट्रा 8 घंटे होते हैं जिन्हें बिताने के लिए वह यहाँ पर जॉब कर लेता है। इस सुपरमार्केट का जो मैनेजर है वह पहले फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था और यहाँ पर अब मैनेजर के पोस्ट पर है। यहाँ की बिजी लाइफ और बिजी शेड्यूल को देखकर उसे लगता है कि टाइम यहाँ पर बहुत ही फास्ट गुजर जाएगा, और इसी की उसे ज़रूरत होती है। बैन के साथ एक लड़की काम करती है जिसका नाम है शारोन। बैन नोटिस करता है कि उसका मैनेजर शारोन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है और उसे टीज करता रहता है। शारोन को ऐसा पसंद नहीं होता और वह काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर हम देखते हैं कि सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही स्लोली बीतता है, इसलिए सारे एम्प्लॉयज़ अपने टाइम को फास्ट बिताने के लिए अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसे कि शारोन कभी भी घड़ी नहीं देखती क्योंकि जब भी वह घड़ी की तरफ देखती है उसे लगता है कि टाइम बहुत ही स्लो गुजर रहा है, और वह हमेशा उसे कवर अप करके रखती है। यहाँ पर काम करने वाले दो और लड़के हैं जिनका नाम है बैरी एंड मैट। ये हमेशा एक दूसरे के साथ गेम खेलते रहते हैं, कभी ये शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग अलग चीज़ें रख देते हैं। इसी तरीके से हर कोई अपना अपना टाइम पास करता है, लेकिन बैन का तरीका कुछ अलग ही होता है। जब से उसका ब्रेकअप हुआ है उसके लिए टाइम गुजारना बहुत ही हार्ड हो गया है, और उसे एक एक सेकंड घंटों के समान लगता है, और वह ऐसा इमेजिन करता है जैसे उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई हो जिससे कि वह टाइम को फ्रीज कर सकता है या पॉज कर सकता है। और इस टाइम फ्रीज के दौरान बैन बस घूम सकता है, बाकी पूरा वर्ल्ड फ्रीज होता है, और फ्रीज करने वाली सुपर पावर की इमेजिनेशन धीरे धीरे सच्चाई में बदल जाती है, और वह अपनी पावर से सबको स्टॉप कर देता था और सभी जगह घूमने लग जाता था। सुपरमार्केट की सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को वह नोटिस करता था और फील करता है कि लड़कियों में कुछ अलग ही अट्रैक्शन होती है। एक्चुअली वह न्यूड लड़कियों की पेंटिंग बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है क्योंकि लड़कियाँ उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। इसके पीछे कारण यह था क्योंकि जब वह छोटा था तो उसके घर में कुछ फॉरेनर रहने के लिए आए थे, उनमें से एक लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, और वह नहाने के बाद बाथरूम से बेडरूम तक बिना कपड़ों के ही जाती थी, जिसे बैन हमेशा देखा करता था, इसीलिए बैन को बिना कपड़ों की खूबसूरती काफ़ी पसंद होती है। इसलिए बैन अब जब भी टाइम स्टॉप करता था तो वह हमेशा लड़कियों के बिना कपड़ों की पेंटिंग बनाता था, और उसने एक नॉवल में पढ़ा था कि लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना अच्छा लगता है क्योंकि वह उनकी ब्यूटी को वैसे ही देखते हैं जैसे कि वे हैं, और ऐसे ही ड्राइंग करके वह अपने टाइम को पास करता है, और जैसे ही वह अपने फिंगर्स को क्रैक करता है स्टॉप हुआ टाइम फिर से चलने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बैन से मिलने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड सियोन आया होता है, जो देखता है कि बैन अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है, और वह कहता है कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। एक्चुअली सियोन जब भी उससे मिलता है उसे यही कहता रहता है, इसलिए वह इस मोमेंट को भी फ्रीज कर देता है और खुद अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। एक्चुअली बैन और सियोन बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। बचपन में सियोन के पेरेंट्स जब ऑफिस चले जाया करते थे तो यह दोनों अपने पेरेंट्स की न्यूड मैगजीन देखा करते थे। एक दिन जब ये दोनों मैगजीन देख रहे थे तो सियोन की मदर वापस आ गई होती हैं।
और इन दोनों को पकड़ लेती है। यह इनकी पैंट में हो रही हरकत को देखकर इनकी दोस्ती को दोस्ताना समझ लेती है। फिर बेन टाइम को अनफ्रीज कर देता है तो सियोन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ स्ट्रिप क्लब चलना चाहिए। यह सुनकर बेन को अपने बचपन की एक बात याद आ जाती है, जब यह दोनों अपने पड़ोस की एक लड़की नतालिया के पास उसके प्राइवेट पार्ट को देखने के लिए पैसे देकर उसके पास जाते थे। यहाँ पर सिर्फ यही दोनों नहीं थे, इस लड़की के लिए पूरे मोहल्ले के लड़कों की लाइन लगती थी जो दो दो रुपए के टिकट लेते थे और यह जानने के लिए जाते थे कि आखिर चोली के नीचे है क्या। अगले दिन हम सुपरमार्केट में देखते हैं कि लॉकर रूम में बेन और सायरन की नजरें मिलती हैं। सायरन को शायद काफी भूख लगी थी इसलिए वह बेन से उसका सैंडविच मांगकर खाने लगती है, लेकिन सैंडविच का पिकल उसके गाल में लग जाता है जैसे कि बॉलीवुड की मूवीज में होता है। और ऐसे ही इन दोनों का एक रोमांटिक सा मोमेंट बनता है और इस मोमेंट को बेन जाने नहीं देना चाहता था और इसे फ्रीज करके रखना चाहता था, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर पाता और सायरन जल्दी में चली जाती है। और उसे भी अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा होता है कि शायद वह अब सूजी से मूव ऑन कर चुका है और सायरन को लाइक करने लगा है। अब हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और मैट कहता है कि आज मैंने सायरन को डेट के लिए पूछा और उसने हाँ कर दी। मैट इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड था पर बेन को बहुत ही बुरा लगता है। बेन मन ही मन कहता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वह जिसको भी लाइक करता है वह उसे दूर चली जाती है। वह फ्लैशबैक में जाता है और जब वह छोटा था तो वह अपने टीचर को लाइक करता था। अब टीचर के साथ तो कुछ हो भी नहीं सकता, यह तो आप भी जानते हो। और फिर उसकी क्लास में एक लड़की थी जिसको वह बहुत ही लाइक करता था, बट उसका एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ जाता है। अब क्लास में हर कोई उसके प्लास्टर के ऊपर कुछ न कुछ बना रहा होता है या सिग्नेचर कर रहा होता है। बेन भी हमेशा उसे ही देखता रहता था तो उस लड़की ने भी उसे अप्रोच किया। बेन ने भी अपना सिग्नेचर उसके प्लास्टर पर बना दिया। फिर जब लड़की का प्लास्टर उतरता है तो उसके पूरे हाथ में बाल ही बाल हो गए थे, सब आने लगते हैं, जिससे वह बहुत ही अकेले पड़ गई थी। फिर एक दिन बेन उसके पास आकर बैठता है और कहता है तुम जैसे हो वैसे ही ब्यूटीफुल हो। इसके बाद ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन बेन उसे स्कूल के पीछे बुलाता है, वह उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। बेन कहता है कि हाँ पर कल तुम मुझे यहीं पर मिलना, और वहाँ से चला जाता है क्योंकि कल स्कूल में कोई नहीं होता, कल हॉलीडे था तो उन्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। अगले दिन बेन उसका बहुत वेट करता है पर वो लड़की नहीं आती। फिर बाद में उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया है और वह चली गई है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर बेन और सियोन आपस में बात कर रहे थे। बेन ने सायरन के बारे में सियोन को भी बताया और वो ये भी कहता है कि मैट और सायरन आज मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं, और सियोन ने कहा कि वो सिर्फ एज अ फ्रेंड मूवी देखने जा रहे होंगे और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उनके बीच में कुछ हो ही। फिर अगले दिन जब बेन काम पर जाता है तो मैट अपने सारे फ्रेंड से सायरन के बारे में बात करते हुए कहता है कि कल रात वो और सायरन इंटीमेट हुए। बेन का दिल टूट जाता है। तभी वहाँ पर उनका मैनेजर आ जाता है और उनसे कहता है मैंने अपने एक फ्रेंड से बैट लगाई है कि हम उसकी टीम को फुटबॉल में हराएंगे और हम सबको मिलकर खेलना होगा। अब फुटबॉल मैच शुरू होता है जहाँ पर सुपरमार्केट के सारे एम्प्लॉयज होते हैं और ये लोग अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं। बेन की टीम में किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था इसलिए ये लोग बहुत बुरी तरीके से हार रहे थे। अपोजिट टीम के 26 गोल हो गए थे और इनके 0 ही थे। बेन का भी फुटबॉल खेलने में मन नहीं लग रहा था और वह बोर हो रहा था इसलिए वह टाइम को स्टॉप कर देता है और वह कहता है कि उसे हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफ लगता है क्योंकि उसे यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फिर वह कैफेटेरिया में जाता है तो अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वह आसपास देखने लग जाता है और वह देखता है कि एक आदमी अनफ्रीज होकर वहां से भाग जाता है और वह समझ जाता है कि बेन सिर्फ अकेला नहीं है जो टाइम स्टॉप कर घूम फिर सकता है। अब बेन वापस फुटबॉल ग्राउंड में आ जाता है और मैच का यह लास्ट गोल होता है इसलिए मैट बहुत जोर से फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल सीधा जाकर मैनेजर की नाक में लगती है और उसकी नाक टूट जाती है। अब स्टाफ के सारे लोग मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और मैट बेन को कहता है कि तुम सायरन को घर छोड़ देना। अब बेन और सायरन फुटबॉल ग्राउंड से निकलते हैं और कॉफी पीने के लिए आते हैं। बेन सायरन से पूछता है कि क्या तुम और मैट डेट कर रहे हो। सायरन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ ऐसा फ्रेंड ही मूवी देखने गए थे। बेन को ये बात सुनकर अच्छा लगता है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि सायरन का एक बॉयफ्रेंड था, उससे ब्रेकअप किए हुए उसे 6 महीने गुजर चुके हैं। बेन भी अपने ब्रेकअप के बारे में उसे बताता है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। बातों ही बातों में सायरन उसे बताती है कि नाइट में मैं स्पेनिश सीखती हूँ, उसे अलग अलग प्लेसेस घूमना काफी पसंद है और स्पेनिश सीखने के बाद वह स्पेन में जाकर रहेगी। उसे साउथ अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है। वह बेन से उसके ड्रीम के बारे में पूछती है। बेन कहता है मुझे ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है, शायद एक दिन उसकी भी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन होगा। और सायरन कहती है कि मैं हमेशा से एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वो वर्ल्ड की किसी भी चीज में ब्यूटी देख सकते हैं। सायरन की यह बात बेन को बहुत अच्छी लगती है। अब बेन सायरन को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है और ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं, पर ये सही से नहीं हो पाती। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैनेजर अपने टीम की हार को भुलाने के लिए अपने बर्थडे पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और वह सबको इनवाइट करता है और कहता है कि सबको आना पड़ेगा। इस पर सायरन बेन से पूछती है कि क्या तुम उस रात मेरे साथ चलोगे। बेन इसके लिए हाँ कहता है और इन दोनों का एक ऑफिशियल डेट फिक्स हो जाता है। अब मैनेजर अपने केबिन में सारे लड़कों को बुलाता है और सबको कुछ न कुछ काम देता है और वह बेन से कहता है कि बर्थडे में एक सरप्राइज स्ट्रिपर भी होनी चाहिए।
और इसका इंतजाम तुम करोगे। बहन को पता नहीं था कि वो कैसे करेगा और वह सियोन की हेल्प लेता है। सियोन को इन सब चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। वह उसे एक पब में लेकर जाता है और एक लड़की से बात करता है। वह लड़की कहती है, मैं उस रात तो बिजी हूँ लेकिन मेरी एक फ्रेंड वहाँ पर भेज दूंगी जो मुझसे भी काफी ज्यादा सुंदर है। अब बर्थडे के इंतजार में कुछ दिन गुजरते हैं जहाँ पर बेन सायरन को काफी ताड़ रहा होता है और टाइम को स्टॉप करके उसकी काफी सारी ड्राइंग्स बनाता है। फिर वह दिन भी आ जाता है जिस दिन मैनेजर का बर्थडे था, तो सायरन बेन से पूछती है कि क्या तुम अभी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो। तो बेन कहता है, ऑफ कोर्स चलना चाहता हूँ, और जाते वक्त सायरन बेन को प्रॉपर्ली किस करके चली जाती है। बेन का जब से ब्रेकअप हुआ था तब से उसको आज तक नींद नहीं आई थी, पर आज उसे बहुत ही अच्छी नींद आई। सुबह जब वह सोकर उठता है तो उसके लिए एक कॉल आता है जो कि किसी आर्ट गैलरी से था, जिन्हें बेन के पिक्चर्स बहुत ही अच्छे लगे थे और उन्होंने उसे मिलने के लिए बुलाया था। बेन इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह कॉल एक प्रैंक कॉल था जो किसी फ्रेंड मैट और बैरी ने उसके मजे लेने के लिए किया था। अब रात को वह बहुत ही अच्छे से तैयार होकर सायरन को पिक करने के लिए पहुंचता है। वह सायरन को अपनी आर्ट गैलरी वाली गुड न्यूज के बारे में बता देता है और यह दोनों पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी में बेन सूजी को देखता है और पार्टी में जो स्ट्रिपर आई हुई थी ये वही स्ट्रिपर थी जिसे देखने के लिए बेन और सियोन बचपन में जाया करते थे। सियोन भी यह देखकर काफी चौंक जाता है और मौके का फायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछ लेता है, पर यह स्ट्रिपर उसे बचपन से जानती है तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और शायद उसकी भी लव स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। पार्टी के दौरान बेन वॉशरूम के लिए जाता है जहाँ पर उसे सूजी मिल जाती है और बेन को सायरन के साथ देखकर सूजी को काफी बुरा लग रहा होता है। वो रियलाइज करती है कि उसके लिए बेन ही परफेक्ट था और वह उसे फिर से पाना चाहती है, पर बेन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और इसी के पैरेलल हम देखते हैं कि मैनेजर सायरन से बात कर रहा था और धीरे धीरे उसे हरेश करने लग जाता है, तो सायरन को इस पर गुस्सा आ जाता है और वह वहां से जाने लगती है। और इसी दौरान उसकी नज़र सूजी और बेन पर पड़ती है। इस मोमेंट पर सूजी बेन को किस करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बेन उसे झटक कर दूर हो जाता है, पर सायरन यह नहीं देख पाती और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। बेन रियलाइज करता है कि सायरन को क्या लगा होगा। वह टाइम को स्टॉप कर देता है और सोचने लगता है कि आखिर वह सायरन को क्या जवाब देगा, क्या बताएगा। वह बहुत देर तक टाइम को रोक के रखता है लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है वह सिर्फ टाइम को रोक सकता है, उसे रिवर्स नहीं कर सकता, इसलिए उसे यह बात समझानी ही पड़ेगी। और फिर वह टाइम को प्ले कर देता है और जैसे ही टाइम अनफ्रीज होता है वह सायरन को मना नहीं पाता, वह गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर वह उससे मिलने के लिए भी जाता है पर सायरन उसके बात नहीं करती। अब बेन को फिर से नींद आना बंद हो जाती है और जैसा कि हमने पहले देखा था कि बेन के फ्रेंड ने प्रैंक कॉल करके उसे आर्ट गैलरी में मिलने के लिए बुलाया होता है और उसे इस प्रैंक के बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए वह सच में अपना सारा आर्ट लेकर उस आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात एक मैनेजर से होती है जो उसे बताता है कि यहां पर उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है। यह सुनकर वह काफी निराश हो जाता है लेकिन मैनेजर फिर उसकी ड्राइंग देख लेता है जो उसे बहुत ही पसंद आती है। वह बेन को अपॉर्चुनिटी देते हुए उसे एक डेट देता है और कहता है कि इस दिन तुम्हारा आर्ट शो होगा। अब बेन काफी खुश हो जाता है और सायरन को भी इसका इन्विटेशन देकर आता है। इस एग्जीबिशन में बेन ने जितनी भी ड्राइंग लगाई थी यह सारी की सारी सायरन की होती है और यह सब बहुत ही सुंदर थी। इसकी ड्राइंग एक आर्ट गैलरी के ऑनर को काफी पसंद आती है और ऐसे बात करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही पसंद आई। वह न्यूयॉर्क से आई थी और उसे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। इस एजेंट से बात करते हुए बेन नोटिस करता है कि सायरन भी यह शो देखने के लिए आई हुई है। तभी यह आर्ट एजेंट उससे पूछती है कि फ्यूचर में तुम क्या करना चाहोगे। बेन कहता है कि मुझे साउथ अमेरिका में जाकर ट्रेवल करते हुए ड्राइंग करनी है। एक्चुअली सायरन का ड्रीम था कि उसे साउथ अमेरिका में ट्रेवल करना है और अब बेन भी उसके साथ ट्रेवल करके ड्रॉ करना चाहता था। सायरन बेन की ड्राइंग्स में खुद को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे माफ कर देती है। बेन फिर से उसे सॉरी कहता है और सायरन उसे कहती है कि पेंटिंग देखकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। फिर बेन पूछता है कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो, तो सायरन ने कहा कि हाँ करती हूँ। फिर बेन सायरन को आंख बंद करने के लिए कहता है और फिर उसे किस करता है। इस मोमेंट को वह खोना नहीं चाहता था इसलिए वह टाइम को फ्रीज कर देता है। अब जब टाइम स्टॉप हो जाता है तो बेन के साथ सायरन भी आसपास घूम सकती थी। बाहर स्नो फॉल हो रहा था तो बेन सायरन को बाहर लेकर आता है और इस फ्रोजन स्नो के बीच दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। बेन कहता है, लाइफ में बहुत सारे मोमेंट होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं, पर अगर आपको लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है, किसी के प्यार में पड़ना है, तो एक बार जरा रुक जाओ, इस मोमेंट को अप्रिशिएट करो और कभी भी उन्हें जाने मत दो। और इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो भाई लोग, अगर मूवी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।